نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربّي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान सेहत व तकबा की बेहतरीन हालतों में होंगी अल्लाह तबारक ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे और आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे आमीन आज तफसीर सीरीज का हमारा नंबर वन थर्टी नाइन है जो इन इमरान की आयत नंबर वन से स्टार्ट होगा तो पिछले रुकू में गज़वा अहद के हालात तो वाक़ात का तस्करा तो था और उन्हीं के मतलब आयात थी। लेकिन अब जो पंद्रव रुकू हमने स्टार्ट किया है सुर इमरान का इसका आगाज़ एक बहुत ही अहम और नए मौ के साथ हुआ है वो ये कि अल्लाह ने तसूल्ला वसम को साफ अल्फाज में फरमा दिया है कि आप सिर्फ एक रसूल हैं नो डाउट कि आपका मर्तबा आपका मुकाम बहुत बुलंद है लेकिन है तो वो एक बशर एक इंसान आप से पहले बहुत से रसूल गुजरे और उनमें से बा को कत्ल कर दिया गया उनमें से बाद शहीद हो तो यहाँ पर बेसिकली ना ये पॉइंट क्लियर किया गया है कि तुम आप को उनके रिसालत के दर्जे से ऊपर ना लेके जाओ इसमें कोई शक नहीं है कि रिसालत का मरतबा एक बहुत ही बुलंद मरत मरतबा है लेकिन रसूल में और महबूद में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना तो यही कहा जा रहा है कि तुम रसूल को मबूद न बना लो रसूल को रसूल के मरतबे पर रखो आबलम से पहले बहुत से रसूल गुजरे बहुत से नबी गुजरे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो सब वफात पा गए इस तरह अब वसलम भी वफात पा गए और अब आगे बिना मौत के बारे में ही आयात आ रही हैं और किसी जान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो मर सके मगर अल्लाह के हुक्म से किताब अमअला हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर लिखा हुआ है अज़रे मन के साथ हर एक का वक्त तय है लिहाजा इंसान की बेहतरीन मुहाफिज खुद इसकी मौत है चनाचा किसी इंसान की मौत का जो वक्त मुकरर है उससे पहले कोई उसको मौत नहीं दे सकता कोई उसको मार नहीं सकता वाम सवाब दुनिया न ही मिनहा और जो कोई दुनिया का अजर सवाब चाहता है तो हम दुनिया में ही इसे इसका सवाब दे देते हैं वाम युरदाबलआरती आखिरती उती ही मिनहा और जो कोई वाक़ता आख़रत का अजर चाहता है तो हम उसमें से उसे दे देते हैं ये मजमू सराबकर की आयत नंबर 200 से 202 में अकाम हज के हवाले से आया था और अब यहाँ पर आयत नंबर 145 में आ रहा है तो इन दोनों सूरतों के मजामी ऑलमोस्ट सेम हैं मसाजी शाह किरन और शिक्र करने वालों को हम बहुत अजर देते हैं बका नबीन क़ातल माहू अरबीन कतर कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की अ मुसलमानों तुम्हारे साथ जो वाक़ पेश आया है वो कोई पहला वाक़ तो नहीं अल्लाह ताला के बहुत से नबी ऐसे गुजरे हैं जिनकी मायन में बहुत सारे अल्लाह वालों ने अल्लाह के माने वालों अल्लाह के चाहने वालों और अल्लाह के दीवानों ने अल्लाह ग़ुलामों और रसूलों के साथ मिलकर जंग की अल्लाह के दुश्मनों से जंग की वमा माँ लिमा हूँ माँ फ़ी सबीर तो अल्लाह की राह में जो भी तकलीफ़ें इन पर आईं इस पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी व माँ ज़ाउफ़ हूँ व और ना इन्होंने कमजोरी दिखाई और ना ही बातिल के आगे सर निगो हुए यानी कि सर झुकाया बातिल के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया वो व युब साबरीन और अल्लाह ताला को ऐसे साबरों से ही मुहबत है ए तो ए मुसलमानों तुम भी ऐसे ही किरदार का मुजाहरा करो यहाँ पर बिना दोबारा अहद के बारे में ही मुसलमानों की हौसला अफजाई की जा रही है कि देखो ये कोई नई बात नहीं है कि तुम अल्लाह की राम में जंग कर रहे हो इससे पहले भी बहुत से नबी और रसूलों ने और उनके साथ अल्लाह वालों ने अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग की है बहुत से शहीद हुए हैं बहुत से गाज़ी हुए हैं ये सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से चलता रहा चलता आ रहा है और आखिरत तक चलता रहेगा ये बात सिर्फ ऐसा होगा कि रसूल वसम के बाद नबी नहीं होंगे लेकिन ओबियसली अल्लाह वालों की कमान में अल्लाह वालों की सरबराही में रोज़े क़यामत तक जंग होती रहेगी अल्लाह के दुश्मनों से ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं उन्होंने सब्र किया किसी भी मुश्किल में उन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई पीठ दिखाकर नहीं भागे और ना ही मुश्किल से मुश्किल वक्त में उन्होंने बातिल के आगे सर झुकाया तब तुम्हें भी ऐसे ही करने को कहा जा रहा है अगर तुम्हें आज शिकस्त हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिल बर कि तुम दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाओ हिम्मत हार कर बैठ जाओ साबित कदम रहो अगर आज शिकस्त हुई है तो कल फतह भी होगी وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا. وان كان تو هر مرحله में यही कोड होता था कि वे दुआ करते थे कि हमारे रब हमें बख्श दे हमारे गुनाहों को बख्श दे और अगर हमसे अपने मामले में हद से तजावज़ हो गया तो हमें मुआ फरमा दीजिएगा अगर आपकी किसी हद को पामाल कर दिया तो मेरे मौला हमें मुआ फरमा दीजिए कि हम इंसान हैं मतहत अकदामा अमन अलल नाअमिल काफी और हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले में हज़रत आलूद के साथियों की भी यही दुआ थी और शराबरा के अखदाम पर आने वाले दुआ के भी यही अल्फा थे फनसुरा अल कौमिलकाफ़्रीन तो अब यहाँ पर गोया गजब अहद में मुसलमानों में कहा जा रहा है कि तुम भी यही दुआ करो इसी दुआ की तलकिन की जा रही है फ आता हम ववाब दुनिया वसन तवल आखिर तो अल्लाह ताली ने उनको दुनिया का भी सवाता फ़रमाया और आख़रत के स्वाव का भी बहुत ही उमदा हिस्सा अता किया इन्हें दुनिया की सरबुलंदी और फतोहत से भी नवाज़ा और आख़रत का भी बेहतरीन अज्रता फरमाया व मुहसिनीन और अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन को पसंद करता है तो आज के लेसन के भी ऑलमोस्ट दो से तीन आयात जो हैं वो गज़ब अहद के बारे में थी जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ लेसन में ये बात क्लियर की थी कि देखें कि आयात जो है ना वो डिसप्लिन के साथ नहीं रखी गई जिस जिस जगह पर जो आयत और जो मौजू सूट करता था उसी को रखा गया है इसलिए वाक़ात जो हैं वो थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं अब दरमियान में देखें अब के अब दरमियान में आप देखें कि रसूल वसलम के बशर होने और रसलूल होने का जिक्र हुआ और फिर दोबारा आगे गजब है अहद में मुसलमानों की हौसा अफज़ाई की जा रही है तो आप देखेंगे कि जिस तरह से वाक़ थे हालात थे उस के मुताबिक आयात को नाजिल किया गया उस मुताबिक अला आया आयात को डिसप्लिन दिया गया कि देखिए जंग हो रही थी और जंग दौरान के दौरान रसूल वसम के इंतकाल का रसूल वसम की शहादत का ऐलान हो गया लोग दिल बर्दाश्त होकर बैठ के तो हौसला अफजाई को थोड़ा सा साइड पर रख के उन्हें बता दिया गया मुसलमानों को सहाबा कर राम को कि देखो रसूल वसम एक बशर हैं एक रसूल हैं और एक बशर होने के नाते उन पर भी मौत आएगी आकर रहेगी अभी नहीं आई आए, लेकिन आएगी ज़रूर तो तुम लोग इस बात पर दिल बर्दाश्त ना हो तुम लोग रसूल सिय जंग नहीं कर रहे तुम अल्लाह के लिए जंग कर रहे हो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जहाद कर रहे हो और फिर जब इस बात को क्लियर कर दिया गया तो दोबारा हौसला अफज़ाई स्टार्ट हो गई तो ये अल्लाह ताला की हिमत है और उसने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ क़ुरान की एक एक आयत को डिसिप्लिन दिया एक, एक आयत को ऑर्गेनाइज़ किया है कि जहाँ पर जो बात सूट करती थी वही आयत डाली गई है तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो बात तफसीर के हवाले से आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की बाकी तो अल्लाह ताला पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने पर अमल करने की तोहफ़ी का आता फ़रमाए रबाना तकबलमन्नाक तस्मीआलिम व तबालीना नक़ीम व आलमीन उदावाना रबालमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू